गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बच्चों, हम लोग SI पढ़ रहे थे। SI आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक क्या करिए, कमेंट क्या करिए, आप बताया करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आज मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको लगभग मैक्सिमम टाइप समझा दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी सीट निकाल लीजिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद आप लोग सीट देख लिया करिए, सीट निकाल लिया करिए और पेन और सीट लेके बैठा करिए, उसी में समझिए, ठीक है। केवल वीडियो आराम से लेट के मत देखा करें, वीडियो में सीट निकालें पहले, पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको समझ में आएगा। अगर आप केवल ऐसी वीडियो देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सीट नहीं है तो वीडियो बंद कर दें, पहले सीट डाउनलोड करें, इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। बच्चों हम लोग इसमें जो पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे टाइप 7 चल रहा था। टाइप 7 हम लोगों ने सीखा था पैसे बांटने वाले क्वेश्चन, और पैसे बांटने वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी पढ़े थे वो आपने पढ़े थे केवल 3 सवाल, ठीक है। तो चलिए मैं चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इस टाइप के तो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब अगले टाइप से मैं क्या करूँगा, आपको हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन बताऊँगा, बाकी आपको लगाने होंगे। लगाने के बाद जो आपको नहीं आएगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो भी लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, जो वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं, इस सीरीज़ का आप फर्स्ट वीडियो देखना स्टार्ट करिए। तो पहले टाइप 1 देखिए, फिर टाइप 2 देखिए, टाइप 3, ये इसका जो वीडियो है ये इसका चौथा वीडियो है। तो आप एक से देखना स्टार्ट करिए, तब इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, 1500 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज बराबर हों तो 12.5% की दर पर दी गई राशि क्या है। कभी भी इसको एक्स मान के मत करिए, केवल समझदार बनिए। 1500 रुपये है, 2 भागों में बांटना है। पहले जो ब्याज की दर है वो 10% है, समय जो है वो 5 साल है, यहाँ पर जो समय है 4 साल है, दर जो है वो 12.5% है, और उसने बोला है दोनों के ब्याज बराबर हैं। आप सभी को मालूम है कि जैसे लिखा है 2x = 3y, तो जो xy का रेशियो होता है वो 3 और 2 होता है। जैसे लिखा है 3x = 5y, तो xy का रेशियो क्या होगा, xy का रेशियो 5:3। आप सभी लोग कमेंट करिए, जैसे लिखा है 2x = 3y = 4z, तो जो xyz का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो आपने देखा एक ऐसा नंबर जो 2, 3, 4 से कट जाए, आपने माना 12, क्या माना 12, 2 का भाग दिया 6, 3 का भाग दिया 4, 4 का भाग दिया, ये हो गया xyz का रेशियो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको बेसिक समझा देता हूँ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। 90% लोग इसमें बहुत बड़ी गलती ही करते हैं, आप लोग एक को x मानते हैं और एक को 1500 - x मानते हैं, यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कभी मत करिएगा। अब देखिए ये कितना हुआ 50, और ये भी कितना हुआ 50, रेशियो 1:1, तो जो एक्स वाई का रेशियो है 1:1 हो गया। एक और कितना हुआ 2, 2 का मान 1500, तो एक का मान 750, पहला हिस्सा 750 और दूसरा हिस्सा भी 750, प्रत्येक हिस्सा कितना है 750। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन है टाइप 7 का है, सीट देख लीजिएगा, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन ये है, 12000 रुपये की राशि को, 12000 रुपये की राशि को, धनराशि को 2 ऐसे भागों में बांटा गया है कि पहले भाग पर 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से और दूसरे भाग पर 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो। तो यहाँ पर भी क्या है, ब्याज बराबर है। पहले जो समय दिया है देख लीजिएगा 3 साल है, दर 12 है, यहाँ पे जो समय दिया है 4.5 साल है और दर कितनी है 16 है। आपने 4 से काटा 3, 4 से काटा 4, 4.5 से इसको काटा 2, 2 से काटा 1:2, उल्टा किया 2 और 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा उल्टा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल अलग होगा, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल अलग होगा, दोनों बराबर हैं, एक्स वाई का रेशियो क्या होगा 2:1। अच्छा 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 का मान 12000, तो 1 का मान 4000, 4 × 2 = 8000, 4 × 1 = 4000, पहला हिस्सा 8000, दूसरा हिस्सा 4000।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है, 10+2 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, SSC 10+2 के एग्जाम में। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 3 स्कीमों में पैसा लगाया जहां ब्याज की दर 10%, 12% और 15% है। यदि इनके समय जो है 6 साल, 10 साल और 12 साल है और प्रत्येक स्कीम से मिलने वाला ब्याज बराबर है, तो ये पैसा किस अनुपात में लगाया। तो देखिए, पहले दर दी है 10%, फिर दी है 12%, फिर दी है 15%। समय जो है पहले 6 साल है, फिर 10 साल है, फिर 12 साल है। इसका जो ब्याज हुआ 60%, इसका जो ब्याज हुआ 120%, इसका जो ब्याज हुआ 180 का रेशियो लिया 1, 2, 3। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, 1 का भाग 2 का भाग 3 का भाग, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उसने जो पैसा लगाया 6:3:2 के अनुपात में लगाया। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति को रिटायरमेंट के समय 52 लाख रुपए मिले। वह अपने इस पैसे को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर बराबर ब्याज की प्राप्ति हो। यदि ये पुत्रियां क्रमशः 14 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष की हों और ब्याज की वार्षिक दर 10% है, तो इसने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आप कल क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहाँ पे इसको कितने पैसे मिले हैं, 52 लाख रुपए मिले हैं। अब ये कि यहाँ पे क्या बोला उसने, 3 बेटियाँ हैं, जो पहले है 14 साल की, फिर है 15 साल की, फिर है 16 साल की। 18 साल का होने में इस बेटी को समय कितना लगेगा, 4, इसको कितना लगेगा, 3, इसको कितना लगेगा, 2। ब्याज की जो दर दी गई है 10% दी गई है, आपने गुणा करा लिया, रेशियो लिया, एक ऐसा नंबर माना जो इससे कट जाए। मान लिया 4 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 4 और 2 का भाग दिया 6। ये क्या है, इस व्यक्ति ने अपनी बेटियों को पैसे को 3, 4 और 6 के रेशियो में बांटा। ठीक है, तो 6, 4, 10, 3 कितना हुआ, 13, और 13 का मान 52 लाख, तो 1 का मान 4 लाख, तो ये हो गया 12 लाख रुपए। 12 लाख ये हो गया आपका, 1 का मान 4 लाख, तो 4 चौक 16 लाख रुपए, और 4 6 कितना हुआ, 24 लाख रुपए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, पहला सवाल है, वह अपनी बेटियों में पैसे को किस अनुपात में बांटता है, तो आंसर 3, 4 और 6। आगे बनेगा, बड़ी बेटी को कुल धन का कौन सा हिस्सा दिया। तो बड़ी बेटी को जिसका पैसा ज़्यादा है, बड़े को हमेशा ज़्यादा मिलता है, ये मैंने आपको कल समझाया था। बड़ी बेटी को कुल हिस्सा दिया 6, टोटल हिस्सा 13, तो बड़ी बेटी को कुल धन का 6/13 हिस्सा दिया। उसने बोला प्रत्येक का हिस्सा बताइए, तो जो बेटी 14 साल की है इसे 12 लाख मिले, जो 15 साल की है इसे 16 लाख मिले, और जो 16 साल की है उसे 24 लाख मिले। ठीक है, और उसने बोला प्रत्येक का ब्याज बताइए। तो आपने देखा इसका जो, देखो फिर सुनिए, क्वेश्चन में बोला गया था प्रत्येक के ब्याज समान हो, तो आप चेक करके देखिएगा, प्रत्येक के ब्याज बराबर ही आएंगे। चलिए चेक करते हैं, 12 लाख का 40%, 4,80,000। 16 लाख का 30%, 4,80,000। और 24 लाख का 20%, 4,80,000। और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा प्रत्येक का ब्याज क्या है, बराबर। चलिए, आपका टाइप खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट टाइप है, नया टाइप है, पैसे बांटना जब अमाउंट समान हो, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप 7 का जो नया टाइप है। ये टाइप 7 का एक पार्ट है, पैसे बांटना जब मिश्रधन समान हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी। एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी और अपने इस पैसे को 2 लोगों में बांटा। एक बेटा 14 साल का है, एक 12 साल का है, और बोला प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु का होने पर बराबर धनराशि मिलती है। क्वेश्चन 2 बनते हैं, बोलेगा बराबर ब्याज मिलता है या बराबर धनराशि मिलती है। यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे अमाउंट बराबर है, दोनों की धनराशि बराबर है।
अब देखिए 18 साल का होने में, 18 साल का होने में इसको समय लगेगा 4 साल, इसको समय लगेगा 6 साल, कितना लगेगा 6 साल। ब्याज की दर जो दी गई है 5%, तो यहाँ पे आपने गुणे 5 कराया, यहाँ पे गुणा 5 कराया, ये हुआ 20 और ये हुआ 30। अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो आपने 100 इसमें जोड़ दिया, इसका रेशियो लिया, इसका उल्टा किया, यही क्वेश्चन का आंसर है कि उसने बड़े बेटे को और छोटे बेटे को किस अनुपात में पैसे को बांटा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 13:12। अच्छा 12 और 13 कितना हुआ 25, ये याद रखिए जब भी बराबर अमाउंट बोलेगा तो हमें 100 जोड़ना होता है, बाकी क्वेश्चन सेम पहले जैसा है। अगर आप इसको बेसिक करते हो ना तो ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट का है, करके चेक करिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, दोनों अमाउंट बराबर होते हैं, P+I, P+I समीकरण बनाते हैं, क्वेश्चन के लगाते हैं, क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, इस क्वेश्चन को इस मेथड से आसान कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझदार बने ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी आए हुए हैं, मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब से मतलब प्रत्येक का हिस्सा, तो 12 और 13 कितना हुआ 25, और 25 का मान 1,20,000, तो 1 का मान कितना आएगा 4,800 रुपये, 4,800 रुपये जब आ गया, ये 100 हो गया, 4,800 रुपये आ गया, 4,800 × 13 बड़े पुत्र का, 4,800 × 12 छोटे पुत्र का, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा, 8,000 रुपये की राशि को दो भागों में बांटा गया है, पहले भाग पर ब्याज की दर 21% है और दूसरे भाग पर ब्याज की दर 35% है और दोनों के ब्याज बराबर हैं, तो प्रत्येक हिस्सा क्या है। तो देखिए यहाँ पे ब्याज 21 है, यहाँ पे ब्याज 35 है, आपने रेशियो लिया 3 और 5 हुआ, उल्टा किया 5 और 3, यही क्वेश्चन का आंसर है, पैसे को 5:3 के अनुपात में लगाया गया। 5×3 कितना हुआ 8, 8 का मान 8,000, तो 1 का मान 1,000, तो 5 का मान 5,000 और 3 का मान 3,000, 21% पे लगाया गया पैसा 5,000 और 35% पे लगाया गया पैसा 3,000। चलिए अगला एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देखिए, इस एक क्वेश्चन के बाद आपको जो नया वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो आपको सुबह मिलना स्टार्ट होगा, तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो सुबह मिलेगा, सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। शाम को वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा, अब मैं सुबह वीडियो पोस्ट करूँगा, आज आपको वीडियो मिला है, कल वीडियो आपको एक सुबह वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है 7,900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की 3%, 5% और 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश किया जाता है, वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान लाभ प्राप्त होता है, तो 3% पे कितना पैसा लगाया। तो उसने देखिए क्या बोला कि एक पे दर 3 है, एक पे 5 है, एक पे 8 है, समय 3 साल यहाँ है, 3 साल यहाँ है और 3 साल यहाँ है, तीनों में 3 है, उसका कोई मतलब नहीं, एक ऐसा नंबर मानिए जो इससे कट जाए, आपने 120 माना, 3 का भाग दिया 40, 5 का भाग दिया 24, 8 का भाग दिया 15, ये आया, इसने इन स्कीमों में इस अनुपात में पैसा लगाया, ठीक है। तो 40, 24 और 15 का जो योग हुआ, इसका योग हुआ 79, तो 1 का जो मान हुआ 100 हुआ, तो ये हो गया 4,000, ये हो गया 2,400 और ये हो गया 1,500, तो उसने 3% पे कितना पैसा लगाया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 4,000, ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी इतना ही रखता हूँ, आपको जो नेक्स्ट वीडियो है कल सुबह मिलने वाला है, कल सुबह 8 से 9 के बीच में आपको इसके आगे का वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए, अपने आप देखिए लोगों को बताया करिए कि सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए, ताकि वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकें और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे। थैंक यू।